हेलो भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की। मेरे भाइयों, रुद्राक्ष भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, पूजनीय माना गया है, भगवान शिव के स्वरूप को माना गया है। रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष हमारा कई रोगों से हमारी रक्षा करता है, नकारात्मकता से हमारी रक्षा करता है। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष से हम भाग्योदय भी अपना कर सकते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया। राशि अनुसार भाग्योदय के लिए हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस विषय को लेकर के ये वीडियो है। अगर आप इसमें रुचि ले रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी मेष राशि है तो सौभाग्य की वृद्धि के लिए, भाग्योदय के लिए आपको एक मुखी, तीन मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया हुआ धारण करना चाहिए। आपकी वृषभ राशि है तो सौभाग्य की वृद्धि के लिए, भाग्योदय के लिए चार मुखी, छह मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया हुआ धारण करना चाहिए। मिथुन राशि है तो आपको चार मुखी, पांच मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कर्क राशि है तो तीन मुखी, पांच मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष ये धारण करना चाहिए। आपकी सिंह राशि है तो एक मुखी, तीन मुखी और पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कन्या राशि है तो चार मुखी, पांच मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपकी तुला राशि है तो चार मुखी, छह मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वृश्चिक राशि है तो तीन मुखी, पांच मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धनु राशि है तो एक मुखी, तीन मुखी या पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मकर राशि है तो आपको चार मुखी, छह मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंभ राशि है तो चार मुखी, छह मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मीन राशि है तो तीन मुखी, पांच मुखी या गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बहनों भाइयों, रुद्राक्ष पुरुषों को धारण करना चाहिए तो ज्यादा ठीक रहता है, स्त्रियों को ज्यादा उचित नहीं कहा जा सकता है हमारे दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ इसमें शुचिता की आवश्यकता होती है। रात में उतार के रख देना चाहिए, रात में इसको पहन करके सोना ठीक नहीं होता है। मेरे भाइयों, रुद्राक्ष जो लोग नहीं पहन सकते, जैसे महिलाएं जो नहीं पहन सकती हैं, उनको चाहिए कि वही रुद्राक्ष जो बताया गया है राशि अनुसार आप अपने पूजा स्थल में रख लें और नित्य गंगा जल से स्नान करा के उनका पूजन करें, आपको सारे लाभ मिलेंगे। धूप दीप और जो भी आप पूजन कर सकती हैं वो करें, पूरे लाभ मिलेंगे, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की। ओ।